आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक का जो है मैराथन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन बैंक प्रत्येक दिन आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन बैंक का आगाज हम लोग कर दिए हैं क्वेश्चन बैंक, और आज हम लोग पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बैंक जो है 2009 से लेकर, यानी 2009 के एग्जाम से लेकर 2023 तक के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एकदम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पूरा, जितने भी कम्युनिटी में स्टूडेंट है, जितना भी है ना आपके सर्किल में जितना भी स्टूडेंट आपको दिख रहा है, सभी को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को केमिस्ट्री में पूरा एकदम तहलका मचाना है, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं पूरे तरह से ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आ गए हैं। तो ऑनलाइन में आपको तहलका मचाने के लिए, आपको केमिस्ट्री में अब की बार भी 90 पार नंबर लाने के लिए तहलका मचाएंगे, और तहलका मचाने में हम लोग क्वेश्चन बैंक आज से शुरू कर रहे हैं। यानी आज हम लोग का पहला चैप्टर का, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, और बगल में इसवी लिखा रहेगा कौन कौन इसवी में पूछा गया है। तो जल्दी से एकदम सभी लोगों को शेयर कर दीजिए हमें, और आप कसम खा लीजिए कि आज से मैं आपको निश्चय, है ना, आप अपने आप के अंदर की बुराई को हटाइए और कसम खाइए कि 2 महीने, यानी आपको जो 60 दिन जो मेहनत करने हैं, 60 दिन में आप, है ना, रुख बदल सकते हैं। आप अपनी तैयारी का जो है पूरा एकदम उसको इधर सुधर कर सकते हैं। यानी आप तैयारी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं भाइयों, तो आप क्या करिए, 60 दिन जो है पूरा इधर उधर करना छोड़ दीजिए। चलिए शेयर करिए, हम लोग ज्यादा भाषणबाजी आज नहीं, क्योंकि पहला क्लास है, थोड़ा सा बातचीत हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर हिट करेंगे, और क्वेश्चन को थ्योरी, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थ्योरी भी करते चले जाएंगे कि कैसे क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है बेर हवादार ठोस के बारे में। आपको जब भी कोई पूछेगा तो ठोस के दो प्रकार होते हैं, एक रवादार ठोस होता है और दूसरा होता है बेरवादार ठोस। याद रखिएगा, रवादार ठोस उसको कहते हैं जिसका अवयवीकरण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं। यानी जिसका अवयवीकरण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, नियमित रूप से सजे होंगे रवादार ठोस होंगे। रवादार ठोस का दूसरा नाम क्रिस्टलीय ठोस है। इसका दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। एक लाइन समझ लेते हैं, बेरवादार ठोस का दूसरा नाम है अक्रिस्टलीय ठोस है। याद रखिएगा, कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। दोस्तों एकदम सभी को शेयर करते जाइए पूरा एकदम, आप लोग के बीच हम जो है लाइव आ चुके हैं, आप एकदम शेयर कर दीजिए सबको। तो अक्रिस्टलीय ठोस है, और ये जो है समदेशिक प्रकृति का भी होता है, याद रखिएगा, और यह जो है विषमदेशिक प्रकृति का भी होता है। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन बेरवादार ठोस है। तो जो भी बेरवादार ठोस होगा, याद रखिएगा, कांच हो, रबर हो, और क्या हो, बहुलक हो। यानी कांच हो, रबर हो, बहुलक हो, कांच का कोई प्रकार हो, रबर का कोई प्रकार हो, और बहुलक का कोई प्रकार हो, ये आपका आ जाएगा और बेरवादार ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस में। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछेगा इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है या बेरवादार ठोस है, तो कांच, रबर, बहुलक। क्या याद रखोगे, कांच, रबर, बहुलक, कांच, रबर, बहुलक। अब इसको छोड़कर, कांच को, रबर को, बहुलक को छोड़कर जो भी दिखेगा सब रवादार ठोस होगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस होगा। तो आपको 2021 दिख रहा होगा साइड में आपका, ये क्वेश्चन बैंक का मैंने पीडीएफ बनाया है, और इसी पीडीएफ पर हम आपको समझा रहे हैं, ताकि, क्योंकि देखो भैया अभी आप लोग, हाँ अभी हम नए हैं, नए डेट मीन्स हमारे पास वो सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको अपने मेहनत के बल पर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर देने का प्रयास करें, सब लोगों से ज्यादा बेहतर देने का प्रयास करें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई साहब, हम लोग, हमारा जो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा लो होगा, इसलिए नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि क्या है कि हम आपको मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, पूरा कंप्लीट तरह से सेटअप नहीं है, है ना, तो इसलिए धीरे धीरे होगा, सब कुछ होगा, बस एक बार आप जुड़ जाइए, एकदम सभी लोगों को एकदम शेयर करते रहिए, बस आपके
सपोर्ट की जरूरत है, आपके एक्सलेटेड करने की जरूरत है, आप मुझे एक्सलेट करो, मैं आपको बेहतरीन चीज आपको देने वाला हूं। तो ठोस कितने प्रकार के हो गए, लगे हाथ बोल दीजिए क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो चलिएगा, अगर आपको यहाँ क्वेश्चन आएगा कि बताइए बेरवादार ठोस है कौन है, हीरा नहीं होगा, ग्रेफाइट नहीं होगा, है ना, नमक नहीं होगा, होगा क्या भैया, रबर होगा। ये 2021 का क्वेश्चन है और मैंने आपको बोला है कांच रबर बहुलक, याद रखिएगा कांच रबर बहुलक, क्योंकि क्वेश्चन के साथ, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंदी बनेगा, थोड़ा सा ये जाएगा लाइव क्लास, थोड़ा लेंदी जाएगा, इसलिए आप इसको एक बार देख लोगे ना, बाद में जब इसको रिवीजन करेंगे हम लोग, और रिवीजन करवाएंगे हम आपसे ऑफलाइन बैच में भी, ऑनलाइन बैच में भी, फिर एक बार रिवीजन होगा तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन बैंक तो याद है। अगर आप विश्वास करिए, क्वेश्चन बैंक अगर आप पूरा कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तो आपको 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस धरती पर आपको कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो 90 नंबर आपको लाने से रोक देगा, बस आप क्वेश्चन बैंक को पूरा रट जाओ, ठीक है। तो आज रटवाने के लिए ही हम आपके बीच आए हैं। तो बेरवादार ठोस कौन है, तो आपका रबर है। यहाँ बेरवादार ठोस के जगह पे अक्रिस्टलीय ठोस देता तो भी आप रबर मारते, और एकदम मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पूरा एकदम देखो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आवे, है एकदम। बीच बीच में लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, ऑप्शन में क्या होगा नहीं होगा अगर आप जानते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो बीच बीच में आप कमेंट करते रहिएगा और थोड़ा बहुत सुनते भी रहिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। देखो भैया बेरवादार ठोस का ही दूसरा नाम क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस, घुमा के पूछ दिया ना, उदाहरण है तो NaCl नहीं होगा, ZnS नहीं होगा, SiC नहीं होगा, कांच होगा। मैंने क्योंकि एग्जाम्पल ही बताया था कांच रबर बहुलक, यहाँ तो रबर हो गया और यहाँ कांच दिया। ये आपका क्वेश्चन 2020 में भी है, 2021 में भी है। देखिए किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या आप आराम से नहीं बना सकते हो, क्या आपसे नहीं बनेगा भाइयों, भाइयों बहनों, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको बन गया, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और क्वेश्चन बैंक सभी मतलब चैप्टर बाय चैप्टर आप एकदम सॉल्व करना शुरू कर दो, और खास करके केमिस्ट्री में, और बहुत लोगों को केमिस्ट्री से डर लगता है, तो मैं आपको केमिस्ट्री से प्यार करवाने आया। अगर एक बार केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा ना, यकीन मानिए कि आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि इस बार 90 नंबर प्लस लाने से रोक सकता है ना। इस बार सभी लोगों को 90 नंबर जो है हम प्रतिज्ञा कर लिए हैं, चाहे जो भी मेहनत करना पड़े, इस बार हम आपको पूरा 90 नंबर लेके आएंगे। देखिए अभी रात के कितना बजा है, हम आपको घड़ी दिखाते हैं, आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, देखिएगा पूरा, और रात में जगे हुए हैं तो वजह है, अभी इसीलिए गला थोड़ा सा है, लगातार वीडियो बना रहे हैं। देखिएगा टाइम दिखाता हूँ आपको, हीरोइन का फोटो आ गया भाई, हाँ देखिए 009 यानी आज 21 अक्टूबर है, शनिवार का दिन है, शनिवार हो गया, 12 बजे के बाद शनिवार हो गया, और देखिए ये 12:09 का आपको मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप सोचिए हम आपके लिए इतना कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा मेरे लिए नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मेरे लिए, आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कम से कम पढ़िए, घर वालों के लिए नहीं तो कम से कम गर्लफ्रेंड जिसको है उसके लिए तो पढ़िए, ताकि उसके नजर में आपका और है ना मान सम्मान बढ़े, यहाँ हमारा यारवा जो है पूरा इंटर में इतना नंबर लाया है, तो आप कहने के लिए हो जाएगा। तो चलिए भैया ज्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहला दिन है, तो हम सोचते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक में पूरा एकदम इंटरेस्ट लाएं, पूरा एकदम अच्छा से समझावे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर महाराज देखिए आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा, ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जान लें, HCP का फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, षट्कोणीय निविड संकुलन होता है, उसमें कुल परमाणु हो जाता है आपका 6। यानी याद रखिएगा यहाँ पर यूनिट सेल में कुल परमाणुओं को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर सिंपल क्यूबिक है, सरल घनीय है, कुल परमाणु हो जाएगा 1, अगर बॉडी सेंटर है, BCC है, कुल परमाणु हो जाएगा 2, अगर FCC है, कुल परमाणु हो जाएगा 4। याद रखिएगा सरल घनीय में कुल परमाणु 1, अंतः केंद्रित में 2, और फलक केंद्रित में कितना हो गया 4, ये याद रखिएगा, और SCP में कितना हो गया 6 हो गया।
अगला क्वेश्चन है रवादार ठोस। रवादार ठोस मैंने आपको बताया, रवादार ठोस क्रिस्टलीय ठोस का नाम है जिसका अवयवीकरण नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से सजे होते हैं। तो देखिएगा, रवादार ठोस आपका कांच नहीं होगा, रबर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो हमारा हीरा होगा। तो रवादार ठोस हमारा क्या है? हीरा है, डायमंड है। कहता है अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना भाइयों। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल यानी एससीपी हो रहा है ना, संरचना में होता है, तो उस धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है? यहां जो कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में उपसंयोजन संख्या बोलते हैं। उपसंयोजन संख्या बोलते हैं यानी किसी निविड संकुलित संरचना में एक परमाणु अन्य जितने परमाणु को स्पर्श करता है उसकी संख्या को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो जब याद रखिएगा, जब सिंपल क्यूबिक होगा, जब सरल घनीय होगा, भैया ध्यान सुनो, सरल घनीय होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, जब बीसीसी होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, और जब एफसीसी रहे या सीसीपी रहे या एचसीपी रहे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। आप इसको गांठ बांध लो, पूरा एकदम गांठ बांध लो, इसको भूलना नहीं है, पूरा एकदम ध्यान दीजिएगा। तो देखो भैया, यहाँ पर रवाकरण कैसा हो रहा है? हेक्सागोनल हो रहा है यानी एचसीपी हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमश है ना चतुष्फलकीय वॉइड यानी टेट्राहेड्रल वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? तो ये होता है एचसीपी और सीसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहां मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो बनाता, मतलब दिखाता कि आपको वहां वॉइड दिखाता। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, जो खाली जगह है। तो देखिएगा, अगर तीन परमाणुओं से अगर घिरा हुआ क्षेत्र है तो ये जो बीच में यहाँ पर थोड़ा सा खाली जगह दिख रहा है वो त्रिकोणीय वॉइड है, और अगर चार परमाणुओं से घिरा हुआ क्षेत्र है तो इसको चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं। याद रखिए, चतुष्फलकीय वॉइड कहते हैं। और जब दो त्रिकोणीय रिक्तियां को विपरीत करके हम लोग उस पर अध्यारोपित करते हैं तब जो आपका बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तब हम उसको अष्टफलकीय वॉइड बोलते हैं। बाहर भी देखते रहिए। तो अष्टफलकीय वॉइड, तो याद रखिएगा एससीपी और सीसीपी आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बैंक का क्लियर है? कोई बाहर में है क्या? देखिए कैमरा में तो दिख रहा है, गेट पे कोई है? समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो, क्या कहता है ना, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? एकदम कमेंट करते जाइएगा, एकदम जो जानते हैं क्वेश्चन के आंसर को कमेंट एकदम जरूर करते रहिएगा। और भाई साहब, आपको आपको आग्रह है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एकदम शेयर जरूर करते रहिएगा, दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी है ना एक दिन अपना भी टाइम आएगा, कहता है ना अपना टाइम आएगा, तो आप लोग के कारण अपना भी टाइम आएगा। आप लोग मन से पढ़ोगे, आप लोग रिजल्ट लाओगे तो अपना भी टाइम आएगा, और सबका टाइम अभी आ रहा है ना, अपना भी टाइम आएगा। याद रखिएगा, ऑनलाइन की दुनिया में अपना भी एक टाइम आएगा, अपना भी सिक्का चलेगा। चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? और जब भी आपको बेरवादार ठोस की बात कहेंगे तो याद रखिएगा, कांच, रबर, बहुलक, आपको ग्रेफाइट नहीं होगा, क्रोम एलम नहीं होगा, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होगा, ये क्वार्ज जो है क्वार्ज ग्लास, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाइयों, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्ज ग्लास। एक बार बोलो तो कमेंट में, क्वार्ज ग्लास याद हो जाएगा। फिर कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस माने ब्रेवेस जालक की कुल संख्या, यानी याद रखिएगा अगर आपको कुल संख्या कोई पूछता है तो कुल संख्या हो जाता है 14, लेकिन यहाँ पर कह रहा है घनाकार यानी क्यूबिक है ना, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज अलग कितना होता है? वो होता है 3। आप इसको याद रखिएगा, मैंने आपको ये चीज बताया। अभी तो जुड़ रहे हैं, जब एक बार चैनल से जुड़ जाइएगा ना, एग्जाम तक देखिएगा ना क्या क्या है ना, एग्जाम टॉनिक मिलेगा, कैप्सूल मिलेगा है ना, मैराथन क्लास होगा है ना, सारा बैच होगा, हम सफर बैच होगा, यानी सब आपको सब बैच का अलग अलग नाम देंगे। तो देखिएगा हम साथ साथ हैं, ऐसा भी बैच चलेगा निकलेगा, तो बहुत सारा बैच निकलेगा, इसलिए सब लोग जुड़ जाइए इस चैनल से। तो 8 ऑब्जेक्टिव हम लोग यहां से अभी कर चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन सब्जेक्टिव आ गया, मैंने आपको यहां पर बोला था भाई क्या हो गया,
ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर कोई आपसे पूछता है कि कांच को आप क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो आप कांच के बारे में कम से कम 30 शब्द में बोलना कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, बेरवदार ठोस होता है, इसका भौतिक गुण ये समदेशिक प्रकृति का होता है, भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कांच को अति शीतित द्रव कहते हैं। यानी आप एकदम पूरा अच्छा से कांच के बारे में जानते हैं, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा इसमें बहने का गुण पाया जाता है ना, क्योंकि इसमें ऐसा गुण पाया जाता है कांच में, इसको गर्म करेंगे अचानक ठंडा करेंगे तो इसका अवस्था बदल जाती है, तो कांच में बहने का गुण पाए जाने के कारण इसको सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा 2021 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, फिर कहता है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। नेट, नेट माने होता है जाल, जाल टाइप का जो भी स्ट्रक्चर होगा वो जाल टाइप का स्ट्रक्चर आपका सहसंयोजक ठोस का होता है। कैसा होता है भैया, सहसंयोजक ठोस का होता है, यानी कोवैलेंट सॉलिड का होता है, और कोवैलेंट सॉलिड उसको कहते हैं जिसका अवयवी कण अधातु होते हैं, जो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, और सहसंयोजक बंधन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने से, पार्टनरशिप करने से। दैट मीन्स सहेली का मैंने आपको उदाहरण दिया था, सहेली अगर सखी बहन पर लगा दोगे, यानी सहेली आप अगर आपके पास है तो समझ जाना सहसंयोजक बंधन है, आप में सहसंयोजक बंधन है। तो नेटवर्क ठोस किसको कहते हैं, सहसंयोजक ठोस को हम लोग, सहसंयोजक ठोस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क ठोस कहते हैं। और इसका उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण तो सबको पता है, हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, और सिलिकॉन कार्बाइड होगा, बहुत सारा एग्जाम्पल है। मतलब आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करना है, खुद से बनाना है, अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप हमें पूछना, यानी आप पूरा एकदम अच्छा से इसको समझ लो, और लिखना है सब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव को भी आगे बढ़ाते हैं। अब अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या कहता है, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 वाला क्वेश्चन कहता है, बता दूं, कहता है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इकाई में मुक्त यानी खाली जगह का प्रतिशत है। आपको याद रखिएगा मैंने 3 प्रकार का यूनिट सेल बताया, सिंपल क्यूबिक, इसका जो है संकुलन क्षमता होता है 52.3%, और जो खाली होता है 100 में से घटा दीजिए इतना तो 47.7% खाली होता है। दूसरा होता है बीसीसी बॉडी सेंटर, इसका 68% भाग भरा रहता है और खाली कितना होगा, 100 में से 68 घटा दोगे तो 32% आपका खाली होगा। और अगर एफसीसी की बात करें, एफसीसी में 74% जो है कुल परमाणु द्वारा छेका गया भाग होता है और 100 में से घटा दीजिएगा तो 26% आपका ये आंसर होगा। यानी यहाँ पर पूछा बीसीसी इकाई सेल में मुक्त यानी फ्री खाली जगह का जो है प्रतिशत पूछा है, तो बीसीसी में खाली जगह का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 32%, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक, फिर आप देखो भैया इसको मिटा दे रहा हूं, एकदम समझते चले जाओगे। अब आगे कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम ऑक्साइड में Na2O, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O, याद रखिएगा सोडियम ऑक्साइड का क्या, कमेंट करते जाओ एकदम, कमेंट और शेयर एकदम करते जाओ, कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो इसलिए बुरा नहीं मानना, क्योंकि कमेंट से ज्यादा हम लोग का टाइम पास होता है ना, हम लोग का समय बहुत कीमती है, एक एक समय का, एक एक मिनट का वैल्यू देना है। Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो आप यहां याद रखिएगा Na2O का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भाइयों, Na2O का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है आपका 8। Na2O का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 8 होता है। और जब Na2O को तोड़ेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो Na अलग टूटेगा और ऑक्सीजन अलग टूटेगा। Na का संख्या 2 है, 2 आगे आ जाएगा, और O का संख्या 1 है, 1 आगे आ जाएगा, 1 प्लस बन के आएगा, और यहाँ का 2 ईश्वर माइनस बन के आएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि Na2O का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो यहां पर क्या होगा भाई साहब, यहां पर आपका Na का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 सोडियम मिलके आपका 8 हो रहा है,
तो दो सोडियम मिलके आपका 8 हो रहा है ऑर्डिनेशन नंबर, तो एक सोडियम मिलके कितना, क्योंकि हमको सिर्फ सोडियम एक का बोला है, तो 8/2 हो जाएगा, यानी 2 से भाग दे देंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कथन वाला क्वेश्चन नहीं आता है, कथन वाला पर हम लोग विचार नहीं करेंगे अभी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो कहता है एक अष्टफलकीय, ध्यान से सुनिएगा, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों द्वारा घिरी रहती, 2022 का क्वेश्चन है। देखो भैया त्रिकोणीय रिक्तियां अगर कोई आपसे पूछता है तो 3 परमाणु द्वारा छेका रहता है, चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 परमाणु द्वारा छेका रहता है, याद रखिएगा 4 परमाणु द्वारा घिरा हुआ रहता है, या इसी के ऊपर में एक परमाणु का अध्यारोपित कर देते हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाता है, और अष्टफलकीय रिक्तियां कुल 6 परमाणु द्वारा घेरा रहता है, तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी आप याद रखिएगा जैसे आप गला मिलते हैं तो कितने परमाणु मिलते हैं, 2 परमाणु, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि नहीं एक परमाणु एक, क्योंकि जितने परमाणु को टच करता है ना, याद रखिएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है और यह भी एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। क्या कहता है क्वेश्चन को समझते हैं, कहता है लिथियम जो है बीसीसी बनाता, मैंने जस्ट बोला था कि भैया अगर सिंपल क्यूबिक रहेगा तो यहाँ पर ए और आर वाला संबंध वाला क्वेश्चन है, तो ए और, ध्यान से सुनिएगा, ए और आर में संबंध, ए और आर में संबंध, अगर आपका सिंपल क्यूबिक है तो ए बराबर होता है 2R, क्या होता है मेरे भाइयों, ए बराबर होता है 2R, अगर बीसीसी है तो अगर ए बराबर हो जाएगा 4R/√3, तो यहाँ जो ए है, ये जो ए है इसको कहते हैं हम लोग कोर की लंबाई या कोने की लंबाई, कोने या कोर की लंबाई, याद रखिएगा। और ये जो आर है इसको भाई साहब हम लोग बोलेंगे त्रिज्या, क्या बोलेंगे त्रिज्या, यानी परमाणु की त्रिज्या। इसी पर अभी हम लोग यही फॉर्मूला एक बार पढ़ो, तो इस फॉर्मूला को पढ़ो तो एक बार, ए बराबर 4R/√3, ए बराबर 4R/√3, ए बराबर 4R/√3, ये आपका त्रिज्या वाला बात है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, याद रखिए ए बराबर 4R/√3, ए बराबर 4R/√3, ए बराबर 4R/√3। और ये कहता है लिथियम बीसीसी रवा बनाती है, यानी लिथियम तो बना लिया बीसीसी, बना लिया तो बना लिया, हम लोग को क्या लेना देना, क्या भैया। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, कहता है लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना कीजिए, यानी परमाणु त्रिज्या जैसे कहा था आर का मान निकालना पड़ेगा, यदि यदि दिया गया है लिथियम का इकाई सेल के किनारा 351 पिकोमीटर है, यही किनारा यानी लिथियम का इकाई सेल का किनारा, किनारा यानी ए का मान दिया हुआ है, यानी आपको गिवेन ए बराबर दिया हुआ है 351 पिकोमीटर, और आर का मान कहता है निकालो साहब, आर का मान निकालो, आप कहिएगा हम लोग जानते हैं सर वी नो दैट, अरे नहीं भी जानेंगे लिख देंगे, लिखने में क्या जाता है हम लोग को, क्या हम लोग जानेंगे ए बराबर 4R/√3 होता है भाइयों, ए बराबर क्या होता है 4R/√3 होता है, तो आप याद रखिएगा हम यहां पर हमको ए का मान दिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4R/1, 4R बराबर हो जाएगा √3a, अब यहां देखोगे R बराबर हो जाएगा √3a/4, अब यहां a का मान रख दो बन जाएगा, यानी √3 का मान रखेंगे 1.732 × a का मान रखेंगे 351 और बटा करेंगे 4, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कुछ भी आएगा, कुछ हो तो आएगा ना, हो आम इमली कटहल कुछ भी, इसको गुना करके 4 से भाग देने पर कुछ भी आएगा ना, वही हमारा आंसर होगा, इतना पिकोमीटर हमारा रेडियस निकल जाएगा। यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में ए और आर में संबंध को लेकर, तो सिंपल क्यूबिक रहेगा तो ए बराबर क्या होगा दोस्तों 2R, अगर बीसीसी रहेगा तो ए बराबर क्या होगा 4R/√3, अगर यही एफसीसी रहता है, हो सकता है एफसीसी आ जाए, तो एफसीसी बराबर होगा ए बराबर 2√2R, याद रखिएगा ए बराबर 2√2R, ये इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा नहीं, समझ गए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं अब आप लोगों के लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे कॉपी कलम लेके रखिए, है ना, क्वेश्चन में लेके रखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और पूरा इसको डील कीजिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, पढ़ते हैं यहां पर, देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया, यानी आपका एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही एकदम कमेंट में बोलिएगा, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए कमेंट में बोलिए। यहां पर देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
क्वेश्चन कहता है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा दोष होता है? तो याद रखिएगा एफ सेंटर, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियां के जगह पे चला जाएगा, यानी कहीं से मान लिया जाए ऋणायन गायब है, जैसे ये दीदी यहाँ बैठी हुई है, देखिएगा ये दीदी यहाँ बैठी हुई है और ये दीदी अचानक यहाँ से गायब हो जाए, वो भैया भी है तो भैया को मान लेते हैं पॉजिटिव, दीदी को मान लेते हैं निगेटिव। अगर यहाँ से कोई दीदी चली गई क्लास से आउट हो गई, एक चली गई तो एक दीदी का संख्या घट जाएगा, और जब एक लड़की की संख्या घट जाएगा यानी माइनस चार्ज घट गया क्योंकि माइनस माने थे, तो उसके जगह पे इलेक्ट्रॉन की भरपाई यानी उसके आवेश को भरपाई कर किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन को लाया जाता है। इसी से हम लोग एफ केंद्र कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। और याद रखिएगा कोई भी क्रिस्टल जो रंगीन होता है ना एफ केंद्र के कारण ही होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि क्रिस्टल के रंगीन होने का कारण क्या है दोस्तों, तो कहना एफ केंद्र होता है सर, एफ केंद्र होता है, एफ केंद्र होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड हो गया, और देखो 10 मिनट बहुत मुश्किल से 10 मिनट देखेंगे पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इतना देर रुके ही हैं, 10 मिनट और आप एकदम शुरू से अंत तक देख लो। कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, तो लोह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करने वाला MnO2 है, याद रखिएगा MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड नाम है इसका। और अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। एक बार हम लोग दोष की चर्चा कर ले, दोष क्या होता है, डिफेक्ट, डिमेरिट, आप में भी डिमेरिट है, हम में भी डिमेरिट है, हम में यही डिमेरिट है कि हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं बच्चा नहीं सुनाता है तो उसको एकदम धोते हैं पूरा, एकदम चलता है ऑफलाइन में। और आप में क्या डिमेरिट है, मैं पढ़ाता हूं आप याद करके नहीं आते, तो ये इसको डिमेरिट कहते हैं, जो कमियां हैं। उसी तरह क्रिस्टल में भी होता है कि परमाणु विचलित हो जाता अपने जगह से, कुछ परमाणु जैसे हैं आप अपने जगह पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए अचानक वहां से गायब हो गए, आपका जगह क्या हो जाएगा, जहां आप बैठे थे वो हो जाएगा खाली। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा A B A B, फिर मान लो A B A B, ऐसा आपका कोई क्रिस्टल है और यहां से अचानक जो है, ध्यान से सुनिएगा सुनिएगा, ये ऐसे आपका जो है परमाणु है, और परमाणु जो है यहां से देखिएगा भाई साहब यहां से क्या हुआ, अचानक यहां से बी गायब हो गया, तो बताओ भैया बी गायब हुआ इसका जगह खाली हो गया ना, रिक्तियां उत्पन्न हो गया ना, तो इसी से दोष उत्पन्न होता है। या यहां से जो है, यहां से जो आपका बी है ये है, लेकिन एक परमाणु यहाँ इस बीच में आ गया, इसको अंतराकाशीय स्थान कहते हैं, परमाणु अंतराकाशीय स्थान में आ गया तो यहाँ भी आपका दोष उत्पन्न हो गया। तो आप याद रखिएगा परमाणु जब अपनी जगह पे विचलित हो जाता है तब दोष उत्पन्न होता है। और एक आप लोग पढ़े हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो भैया घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। रात है, ज्यादा हल्ला भी नहीं कर रहे हैं, है ना, ईसा नहीं कहेगा सर जी एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, पूरा इनर्जेटिक नहीं, हम खूब इनर्जेटिक है, एनर्जी भरा हुआ, कुट कुट के भरा हुआ, लेकिन क्या करिएगा, रात है, रात का समय है, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, आपको पता है दशहरा चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इस वजह से जो है पूरे चारों बगल साउंड ही साउंड एकदम पूरा बजते रहता है, जिसके कारण क्लास लेना मुश्किल हो गया था। इस वजह से हमें रात में आपको शूट करके आप लोगों के लिए है ना प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए इसके लिए भी एक बार एक शेयर बनता है, एक लाइक बनता है, इतना मेहनत करने के लिए आपको एक लाइक करिए, जरूर करिए। अब कहता है कि देखो घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा, यानी दोनों में सीधा समानुपाती रिलेशन है। यानी परमाणु जाएगा तो द्रव्यमान घटेगा, और जब परमाणु जाएगा द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घट जाएगा, परमाणु आएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आपकी शादी करा दिया जाता है, तो आपकी शादी करा दिया जाता है, आप है आपकी कन्या है ना, आप है और आपकी कन्या है, ध्यान सुनिएगा, अभी दो आदमी है, अभी कोई तरह का दोष नहीं है, और अभी मान लो आपके यानी बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते तो आपके परमाणु आए, डाउनलोड नहीं हुए, परमाणु आए तो यानी आपकी जनसंख्या बढ़ गई, आपकी फैमिली बढ़ गई, तो आपका घनत्व भी बढ़ जाएगा। याद रखिएगा द्रव्यमान, परमाणु के आने से द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में सीधा समानुपाती का रिलेशन है, यानी छोड़ेंगे ना साथ वो साथियां मरते दम तक, यानी इन दोनों के कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब यहां दोष जो होता है, याद रखिएगा हम लोग जो बात यहां पर करेंगे, हम लोग यहां बात करते हैं
किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, तो फ्रेंकल दोष में परमाणु जो है नहीं जाता है नहीं आता है, नहीं जाता है नहीं आता है, तो इसका जो है घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ना तो द्रव्यमान बढ़ेगा ना तो घनत्व बढ़ेगा। अब शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन जाता है, धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब होता है। तो भैया जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन जाएगा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन जाएगा तो जाने से द्रव्यमान घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। तो कहता है किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी होता है, हमको यही मिल गया था, अब आगे क्या पढ़ोगे, शॉटकी दोष इसका सही आंसर हो जाएगा। और कहता है निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है, तो Fe3O4 ये फेरोचुंबकीय पदार्थ है, इसको पूरा एकदम रट लो एकदम जुबान पे, Fe3O4 पूछेगा तो बोलना फेरोचुंबकीय पदार्थ है। यहां तक में किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते फिर आप देखोगे क्या कहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि, त्रुटि माने दोष, से आप क्या समझते हैं, हम क्या बोले परमाणु का जो विचलन होगा किसी क्रिस्टल में अपने नियत स्थान से, है ना, आगे पीछे चला जाएगा, कहीं भी परमाणु का विचलन होगा तो परमाणु के विचलन को ही हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। और कहता है शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष के बीच अंतर क्या है, तो सबसे पहले दो अंतर समझिए, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों आयनिक ठोस में पाया जाता है। शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों किसमें पाया जाता है भाइयों, आयनिक ठोस में पाया जाता है। और शॉटकी दोष में क्या होता है, ये शॉटकी और फ्रेंकल दोनों वैज्ञानिक का नाम है, कोई पूछेगा शॉटकी और फ्रेंकल क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। शॉटकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होता है, तो इसमें लिखेंगे जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने नियत स्थान को छोड़कर गायब हो जाते हैं तब जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शॉटकी दोष। एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा कि मान लिया जाए यह अभी अभी जो आपका क्लास है केमिस्ट्री पॉइंट क्लास है, इसमें एक लड़का और एक लड़की समान, एक लड़का गया एक लड़की गया, दो लड़का गया दो लड़की गया, नहीं समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब कर देते हैं तब जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं शॉटकी दोष। लेकिन फ्रेंकल दोष में, फ्रेंकल दोष में इस क्रिस्टल का परमाणु केमिस्ट्री पॉइंट का परमाणु केमिस्ट्री पॉइंट में रहेगा, सिर्फ अपना जगह चेंज करता है। तो याद रखिएगा इसमें परमाणु कहीं नहीं जाता है नहीं आता है। या अगला पॉइंट में लिखेंगे शॉटकी दोष में इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है क्योंकि द्रव्यमान घटता है क्योंकि परमाणु गायब होता है। और फ्रेंकल दोष में लिखेंगे सर जी फ्रेंकल दोष में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है जिसके कारण घनत्व भी अपरिवर्तित रहता है, है ना। उसके बाद कहता है CsCl की बनावट के संक्षिप्त विवरण करने, ये जो CsCl है मैं इसका जो है पीपीटी लाता लेकिन अभी आपको इसे समझा दे रहा हूँ। CsCl की बनावट BCC होती है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होती है, अगर हिंदी में बात करें तो होता है अंतः केंद्रित, क्या होता है भैया अंतः केंद्रित होता है। और अंतः केंद्रित के लिए मैंने त्रिज्या अनुपात R+/R- का भी मान लिखाया है, तो याद रखिएगा इसके बारे में पूरा जानकारी आप दे देना। फिर कहता फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। फ्रेंकल दोष अभी मैंने जस्ट बोला है, जब किसी क्रिस्टल में धनायन हो या ऋणायन हो अपने नियत स्थान से छोड़कर दूसरा अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है तब जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को कहते हैं फ्रेंकल दोष, उसी दोष को क्या कहते हैं फ्रेंकल दोष, याद रखिएगा ठीक। उसके बाद कहता है फेरोचुंबकीय और पराचुंबकीय में क्या अंतर है, तो फेरोचुंबकीय देखियो ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता से विकर्षित होता है, दुर्बलता से विकर्षित होता है, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से विकर्षित होता है, याद रखिएगा प्रबलता से आकर्षित, सॉरी विकर्षित बोल रहे हैं, सॉरी दुर्बलता से आकर्षित होता है, दुर्बलता से आकर्षित होता है, लेकिन ये जो है प्रबलता से आकर्षित होता है, बस यही दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। दूसरी बात करें कि इसका उदाहरण याद रखिएगा के को नी, यानी आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल ये आपका फेरोचुंबकीय है और ये जो पारा चुंबकीय है, यानी याद रखिएगा जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जाएगा, जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, जिसमें जिसका कोई जोर नहीं होगा, तो नहीं कहावत है तो हर जोर नहीं खे बारे तू बेजोड़ बारे हो, तो जिसका बेजोड़ होगा उसको पारा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन दोनों में ये जो है आपका डिफरेंस लिखने को कहेगा, एक बार डिफरेंस आप देख लोगे आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं वीडियो को लेंदी इसलिए इसके बारे में पूरा लिख नहीं रहा हूं ताकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको एक बार क्वेश्चन बैंक समझाते हुए चला जा रहा हूं ताकि आप एक बार क्वेश्चन बैंक अगर पर डे एक चैप्टर बनाएंगे तो आपका 16 चैप्टर केमिस्ट्री में है, आप चाहेंगे तो 16 लेक्चर में 16 दिन में क्वेश्चन बैंक को क्लियर कर लेंगे, है ना। इसीलिए आपके 60 दिन है, 60 दिन में आपको 16 दिन निकालना है और प्रत्येक दिन 12 बजे
याद रखिएगा 12 बजे हम लोग लाइव रहेंगे, 12 बजे लाइव रहेंगे क्वेश्चन बैंक को लेकर, 12 बजे लाइव रहेंगे क्वेश्चन बैंक को लेकर, हाँ भूलना नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एकदम शेयर लाइक करते रहिएगा, है ना। सो गए हैं क्या हो, है आप लोग को नहीं दिख रहा, अरे वाह इतना क्वेश्चन जो है, इतना क्वेश्चन का कलेक्शन हम जो आपको करवाए हैं, बताओ इनमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ नोटिफिकेशन वाली बात क्या है, नोटिफिकेशन वाली बात यह है कि आपको 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 है ना पूरे एकदम जितना समुदाय में पूरा इंडिया में ये वीडियो को फैला देना है कि प्रदीप सर जो है, प्रदीप सर जो है लाइव आते हैं क्वेश्चन बैंक को लेकर, 12 बजे आते हैं और 7:15 पर शाम में YouTube पर फ्री क्लास में होता है, और इस फ्री क्लास में एकदम ऑर्गेनिक का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आते हैं। तो जुड़ने का प्रयास करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जब भी मैं आपको। और एक बात बता दूं कि शॉर्ट वीडियो भी पर डे आपके लिए लेकर आते हैं, शॉर्ट वीडियो और विथ ट्रिक के साथ भी लेकर आते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बात आज क्वेश्चन बैंक के समझ में आ गया है ना। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, फिर आपको इस पर ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। यानी एक बार आप हमसे जुड़ के तो देखो, है ना। जब आपकी तैयारी, जब अंतिम दिन होगा तो आप कहोगे क्या सर आपने क्या किया, कितना अच्छा से पढ़ा दिया कि यू गए यू आए। मतलब आप एग्जाम हॉल में जाओगे कहोगे ये सब क्वेश्चन तो होता ही है, सर तो बताए ही है। तो बस आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप सभी को है ना बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपने शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखा और आपने शेयर किया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद।